हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सुपर्णा, आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूरेडे मेकअप। सो फ्रेंड्स, आज का ये मेकअप लुक काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। मैंने आज बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ इस लुक को क्रिएट किया है। सो गाइस, इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन एंड कोई बीबी सीसी क्रीम नहीं यूज़ की है। बस आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी पता चलेगा मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए एंड मैंने इस लुक को किस तरह से क्रिएट किया। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपनी स्किन को पैम्पर कर लेना है। मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर, नाउ मैं पिक कर रही हूँ रोज टोनर, ये ब्लू हेवन का। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। आपने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना। मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आजकल ये पसंद आ रहा है, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। सो गाइस, आपकी स्किन अगर विंटर में ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप सीरम यूज कर सकते हैं या फिर बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं। विंटर में ना आप बहुत अच्छे से अपने फेस को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया करिए, क्योंकि विंटर में ना एक्स्ट्रा मॉइस्चर की नीड होती है। 1 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। देन अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ एलोवेरा सेल, ये पतंजलि का है। गाइस, आपको बता दें, हम यहाँ पे यूरेडे मेकअप लुक शूट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर सकती हूँ। आप कोई सी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी प्राइमर यूज नहीं कर रही हूँ। सो गाइस, ये हमारे ओपन पोर्स को ना अच्छे से फिल इन भी कर देता है और हमारे स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता है। नेक्स्ट हम रेडी करेंगे अपना बेस। नाउ मैं ले रही हूँ इस तरह की फ्लफी ब्रश। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आज ना कोई फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ, ना कोई बीबी क्रीम सीसी क्रीम। सो गाइस, आपने ले लेना कुछ इस तरह का फ्लफी ब्रश, उसमें कर लेना आपको मेकअप फिक्सर से स्प्रे। देन आपको ले लेना कोई सा भी कॉम्पैक्ट। मैं यहाँ पे मेबेलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। अपने सेम ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट को पिक कर लेना एंड देन अप्लाई करना है अपने फेस पर। यू कैन सी गाइस, डिफरेंट समझ में आ रहा है ना आपको। आपने ऐसे ही अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है एंड नेक पर भी अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे ब्लश। नाउ मैं ले रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक की बुलेट लिपस्टिक। यार, ठंडियों में गुलाबी गाल किसे नहीं पसंद होते। सेम लिपस्टिक की हेल्प से मैं अपना आई बेस भी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेकअप है तो कोई भी आई मेकअप करना नहीं है, तो मैंने लिपस्टिक को ही अप्लाई कर लिया एज ए आई शेडो एंड देन फिंगर की हेल्प से ही हमें अपने आई शेडो को एंड ब्लश को ब्लेंड कर लेना। इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। यू कैन सी गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा आई बेस। नेक्स्ट हम करते हैं अपने आईब्रो को फिल। आप चाहे तो अपने आईब्रो को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई नीड नहीं। अगर आपके आईब्रो घनी है तो आप नेचुरल भी रख सकते हैं। मैंने लाइटली टच करते हुए अपने आईब्रो को फिल इन किया, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लू हेवन के काजल से ही अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। सेम काजल की हेल्प से हम अपने अपर वाटर लाइन पे थोड़ा सा टाइट लाइन कर लेंगे। आप चाहें तो पूरी तरह अप्लाई कर सकते हैं एंड स्किप भी कर सकते हैं। नाउ हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। मैंने इसी लिपस्टिक से अपना ब्लश किया था, आई शेडो भी कंप्लीट किया था। ये सेट मुझे काफी पसंद है। इसका ना सेट जो है नेचुरल दिखता है, इसे अप्लाई करने के बाद लिप्स भी नेचुरल लगते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेकअप लुक, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। Till my shadow turns to sun rays.